तीन तीन चार चार टन पांच पांच टन वजनी पत्थरों को उठा के कटिंग करते हैं। कटिंग करने वाले से आ रहे हैं, सिर्फ पत्थरों की कटिंग की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुखातिब हूँ आपसे मोहम्मद आसिफ इंतखाबे नगीना। और देखें माइनी के सिलसिले के अंदर मैं निकला हूँ और देखें यहाँ इस पूरे एरिया के अंदर स्टोनी स्टोन्स नज़र आ रहे हैं मुझे जगह जगह। अब ये तलाश और उसको घूमना, असल में ये काम जो है बड़ी मेहनत का काम है, पत्थरों को तलाश करना और ढूंढना और हासिल करना। लेकिन चूँकि मुझे काम ही यही करना है और जाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी के महवर मेरे एक हिस्सा है, तो ये मैं जिस एरिया में आया हूँ ये भी बलूचिस्तान के ही एरिया है और यहाँ से इंशाल्लाह मैं काम शुरू करूँगा और फिर आगे तक बढ़ूँगा। तो मैं काम अपने स्टार्ट कर चुका हूँ, बाइक मैंने काफ़ी फासले पर खरीदी हुई है। अब यहाँ से नीचे जाता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती होंगी। तो नाज़रीन ये मेरी स्टार्टिंग वीडियो है, उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह आपको चीज़ें दिखाते जाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये देखें सामने का एरिया है और वहाँ से मैं इस तरफ आया हूँ। ये एरिया तो बहुत खूबसूरत है और एरिया के अंदर जो है ये पत्थर ढूंढने के लिए मैं निकला हुआ हूँ। ये देखें ये पत्थर नज़र आया है मुझे, अच्छा खासा बड़ा पत्थर है। इसके अलावा भी ज़मीनें दफन हुए हैं ये पत्थर। ये देखें ये मेरे मतलब का एक पत्थर जो नज़र आया है। चीज़ें तो यहाँ मिल जाएंगी मुझे, ये देखें किस कदर उमदा पत्थर है। ये रहे ज़मीन के अंदर तलाश करें तो पत्थर तो नज़र आते हैं और मिलती भी हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। इस काफ़ी एरिया के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें शाबाश, ये ज़मीन में अब चूँकि मिट्टी दब चुकी है तो ये इसके अंदर दबे हुए हैं, निकालने के लिए हथौड़ी अच्छे नी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं व्यूज़ दिखा दूँ आपको कि किस किस किस्म के यहाँ पत्थर मौजूद हैं। ये देखिए, ये देखें आपको इसके अंदर भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। वाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है ये वादी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमना। और यहाँ पर पत्थर हैं काफ़ी अच्छे किस्म के। ये देखें हम आपको दिखाते जा रहे हैं, इसमें कलर और खूबसूरती देखिए, डिज़ाइनिंग देखें, बड़े बड़े स्टोन्स मिल गए मुझे यहाँ पर। शानदार, ये नहीं कि आज ही मेरी जो आने की मेहनत है वो स्वार्थ हो जाएगी, क्योंकि मैं जो चीज़ें यहाँ ढूंढ रहा था वो नज़र आ गई। ये देखें आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़े स्टोन हैं ये। खूबसूरती भी इसमें बहुत शानदार है। ये देख ये ऐसा खूबसूरत दाया पत्थर हैं ये, इसके अंदर इंक्लूजन्स नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान में जवाहरात और पत्थरों की कोई कमी नहीं है, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स बेतहाशा पाए जाते हैं और इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं आपके खुदा वाला करे एस्ट्रे हुई और उसके गुलदान हुए, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर बनाई जा रही हैंगी पाकिस्तान के अंदर। तो मैं भी आज निकला हुआ हूँ, मैंने कहा चलो नाज़रीन को अपनी वीडियो दिखाऊँ बना के, वो चीज़ें जो यहाँ पाई जाती हैं बन रही हैं वो भी बताई जाएँ। सामने का हिस्सा भी है, पानी बह रहा है यहाँ पर, उस हिस्से में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और गर्मी धूप को बर्दाश्त कर रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं और लोग बहुत सकता है इसको अहमियत ना देते हों, लेकिन जो बना रहा होता है उसको पता चल रहा होता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये अपने व्यूवर्स और नाज़रीन को बैठे बैठाए वो नॉलेज हम देते हैं जो इससे पहले अब हमें घर में बैठ के लोगों को हासिल नहीं होती। ये देखें आप कितना उमदा पत्थर है, ये देखें शानदार, ये देखें कितने शानदार इसके अंदर वो पाए जाते हैं। ये पूरी लेयर्स मौजूद है, तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बनाता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा। और ये इंट्रो कह सकते हैं मेरी वीडियो की स्टार्टिंग बलूचिस्तान के एरिया के अंदर।
और इसके अलावा जब जो मजीद वीडियो बनेंगी तो वो इंशाल्लाह उसके साथ अटैच कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मुखातिब था मोहम्मद आसिफ, इंतखाब नगीना, चैनल नाम है इंतखाब नगीना सिंस 1984। ओके जनाब, ज़बरदस्त जगह मिली है मुझे और स्टोन्स यहाँ कलरी पाए जाते हैं, जैसा कलर होगा वैसे उसके अंदर स्टोन्स पाए जाएंगे। ये देखें यहाँ इसी तरह के इसमें कलर के स्टोन मौजूद हैं। ये देखें, ये देखें ना, इसमें कलर यही पाया जाएगा। नाजनी ये आप देखें, जैसा कलर होगा वैसे ही उसमें स्टोन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ ये कलर देखें आप कैसा है, इसमें स्टोन भी ऐसे ही कलर के पाए जाएंगे। इसका कलर स्टोन का यही है। ये देखें ये पीस पड़े हैं, जबरदस्त। ये देखें, मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद आसिफ, इंतखाब नगीना। और देखें इस वक्त मैं ख़ास जगह पे आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये देखें, ये है वो पाकिस्तानी मेहनत के शवाम जो कि मिनरल्स और जवाहरात के ऊपर काम करते हैं, और ये लोग हैं जो तीन तीन चार चार टन पाँच पाँच टन वजनी पत्थरों को उठा के उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसके स्लेब बनाते हैं, फिर ये चीज़ें आगे जाती हैं। और ये देखें चारों खड़े हुए माशाल्लाह से ना, अब देखें ना तो इनके सर के ऊपर इन्होंने हेलमेट दिए हुए हैं, जबकि हेलमेट भी होना चाहिए इनके पास, इनके हैंड ग्लव भी होना चाहिए, जूते तो चलो सही हैं। तो बहरहाल जो इनकी मेहनत है उस लिहाज से इनको इसका रिवार्ड नहीं मिल पाता है। तो इससे पहले भी बलूचिस्तान में भी मैं गया हूँ और दूसरे शहरों में जाके मैंने यही कहा है कि इनकी जो मेहनत है तो इनको सिलह दिया जाए और इनके हेलमेट दिए जाए, इनके हैंड ग्लव दिए जाए, इनके जूते दिए जाएँ। ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, क्योंकि दुनिया में सही इस मालिक में होकर आ चुका हूँ। मैंने यही देखा है कि हर जगह वर्कर्स को उनकी तमाम बहुत अहमियत दी जाती है। ये वर्कर ही हैं तो ये तमाम कारखाने कायम हैं, अगर वर्कर ना हो तो ये कारखाने आपको नहीं मिलेंगे। ये देखें, ये देखें 2.5 टन वजनी पत्थर उन्हें ही काट रहे हैं। ये वो मार्बल का कारखाना है पूरा, वो सामने अंदर कटिंग हो रही है, ये सारा काम हो रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें आप, ये किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर, बहुत मेहनत से काम है ये। और पत्थर देखें, ये सारी कटिंग हो रही है। मेहनत बहुत है माशाल्लाह से, अल्लाह इन्हें तरक्की दे, वर्कर दे, काम बहुत ज़बरदस्त है। ये इन पत्थरों की कटिंग की जाती है, देखें आप सामने देखें, ये कटिंग हो रही है, इसमें से पानी डाल रहा है। तो आज की वीडियो मैंने आपको खास करके बता रहा हूँ, ये जो पत्थर रखा है रखें में इसका वजन 2.5 टन से ऊपर है और ये लोग इसको उठाएंगे, इसी कटिंग करेंगे। तो नाज़रीन उम्मीद है मेरी इस ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ हाँ ले ले ले, ले। ये है असल ज़ियारत प्योर, जो बिल्कुल वाइट कलर का जो ताजमहल में इस्तेमाल किया गया था उससे मिलता जुलता पत्थर ये पाकिस्तान में निकला है और बहुत खूबसूरत पत्थर है। ये देख रहे हैं आप, ये सब आपको नज़र आ रहा है ना, ये सर देखें सामने पहाड़े पहाड़े पत्थरों के यहाँ जी, ये मोनो का सामने नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन मैं आपको आज ऐसी वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे पहले शायद ही किसी ने दिखाई हो, क्योंकि इसके ऊपर लोग बहुत कम काम करते हैं पत्थरों के ऊपर, और मैं तो सच्ची बात है काम ही सारा पत्थरों के ऊपर ही करता हूँ। ये देखें कितना शानदार इनके पास तो नज़र आ रहे हैं, वाह ज़बरदस्त हसीन और खूबसूरत पत्थर हैं। तो भाई आज का हमारा पूरा दिन तो इसी में लग जाएगा इंशाल्लाह पत्थरों के ऊपर। ये अंदर जो कटिंग हो रही है वो देखिए आप कितनी शानदार, हाँ एक सेकेंड ज़बरदस्त। ये देखिए कितनी उम्दा कटिंग की हुई है और पत्थर वो बदल देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत मेहनत का काम है ये। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई, जैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंतखाबे नगीना सिंस 1984।